morning students i hope and wish uh, you all are safe so uh, now we will start the today's session uh, and the name of the topic is maintenance of computers so uh, what about the maintenance of computer what is maintenance of computer what are the steps to maintenance of computer so in this screen we uh, just uh, watch uh, and listen all and everything about the maintenance of the computer so First you all know about the definition of computer uh, I hope you all know it's a electronic machine uh, computer is an electronic uh, machine uh, that is used for uh, calculation purpose and that can do a uh, different different types of uh, functions so now we uh, will discuss about the physical maintenance of a computer hum log hain, physical maintenance kya hai, कंप्यूटर uh, को मेंटेनेंस करते हैं बिकॉज कंप्यूटर इज़ आल्सो अ मशीन सो मशीन्स को हमें मैंटेनेंस uh, uh, करने, करने की मेटेन करने की ज़रूरत होती है उसे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो रिपेयर करने की भी जरूरत होती है सो so, uh, कैसे हम लोग मेंटेनेंस करते हैं कैसे फिजिकल मेंटेनेंस होता है सो so, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल मेंटेनेंस सो फिजिकल मेंटेनेंस होता क्या है फिजिकल मेंटेनेंस इज़ दैट टाइप ऑफ मेंटेनेंस दैट वी कैन जस्ट क्लीन एंड फ्री ऑफ़ डर्ट एंड डस्ट टू आर टू आर कंप्यूटर्स हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं उन सारे को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं उसे डर्ट फ्री रखते हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में जहाँ भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं वहाँ अगल बगल बहुत सारे धूल गंदगी भी होती है तो हमें अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम उसे साफ़ करना चाहिए तो कैसे हम लोग साफ रखते हैं कंप्यूटर को हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले uh, कुछ कंप्यूटर uh, के पार्ट्स को देखें कंप्यूटर के पार्ट्स को हम लोग कैसे सेफ रखते हैं कैसे डस्ट uh, फ्री uh, रखते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट वन इज़ अ की सो की बोर्ड इट हैज़ अ सम कीज़ एंड बिटवीन द कीज़ देयर इज सम गैपिंग सो द डस्ट इज़ ऑन दैट पर्टिकुलर लाइक स्पेस बिटवीन द टू कीज वो जो दो कीज के बीच में स्पेस होता है उसके थ्रू जो डस्ट होता है वो हमारे कीबोर्ड में बहुत आसानी से इन कर सकता है सो वी नीड टू जस्ट ब्रशअप ऑफ योर कीबोर्ड वाइड यूजिंग जब भी आप यूज़ करते हो तो उसे ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है और अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज़ द एयर कंप्रेसर ऑल्सो एयर कंप्रेसर इज़ यूज फॉर जस्ट फ्री द डस्ट इन टू योर पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड बिटवीन द गैपिंग्स वहाँ जो गैपिंग्स होते हैं उस गैपिंग से भी वो जो हम एयर कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करते हैं तो वो वहाँ से जो डस्ट है उसे बाहर निकाल देता है सो माउस इट्स अ वेरी लो मेंटेनेंस माउस हैज़ वेरी लो मेंटेनेंस इट्स नॉट रिक्वायर्ड अ मच मोर मेंटेनेंस सो इट जस्ट यू हैव टू जस्ट टेक अ कॉटन एंड जस्ट ड्रैम जस्ट रब द माउस उस माउस को जैसे ही रब करोगे तो वो ऑलरेडी क्लीन हो जाएगा उसमें ज़्यादा क्योंकि आज के डेट में जो माउस आती है उसे ज्यादा क्लीन अप की जरूरत नहीं होती है नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉयस एंड कनेक्टर्स सो वाइल क्लीनिंग द वॉय एंड कनेक्टर यू नीड यू मस्ट नीड टू स्विच ऑफ योर प्लग दैट मीन्स यू प्लग आउट इंटू योर स्विच बोर्ड इंट इं द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सो आफ्टर प्लग आउट द्लग आउट द वॉयस दैन यू कैन जस्ट टेक अ क्लॉथ्स अटन क्लॉथ्स दैन उसके बाद क्या कर सकते हो यू जस्ट uh, वहाँ पे क्लीन कर सकते हो जो भी uh, तुम्हारे कॉटन क्लॉथ्स के थ्रू जो है अपने वायर्स को वन बाय वन उसे uh, रब करके क्लीन कर सकते हो तो वायर भी क्लीन हो जाएगा नेक्स्ट वन इज अ inside the cpu cabinet there is a one more thing that's a cabinet while uh, when you uh, just uh, wash, uh, just uh, clean your uh, keyboard and the uh, mouse and uh, the wires and connectors also so uh, you need to just uh, clean up uh, the cpu cabinet uh, into the desktop there is a cpu box uh, दैट नेम इज़ अ सी पी यू कैबिनेट उसका नाम सी पी यू कैबिनेट होता है सो फर्स्ट यू हैव टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड जस्ट अन प्लग द पावर केबल्स एंड देन यू कैन जस्ट ओपन द सी पी यू कैबिनेट सी पी यू कैबिनेट को ओपन करोगे uh, uh, ये क्या होता है एक नट पे कसा हुआ होता है सो so आप उस नट को ओपन करोगे ईजिली ओपन कर सकते हो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है सो so, uh, आप उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यू हैव अ एयर कंप्रेसर सो यू जस्ट ब्लो द एयर कंप्रेसर इन टू द सी पी यू कैबिनेट सी पी यू कैबिनेट का जब खुल जाएगा जो बॉक्स है वो खुल जाएगा तो आप वहाँ पर एयर कम्प्रेसर क्यों डायरेक्टली उस पर ब्लो कर सकते हो तो जितनी भी गंदगी होंगी जितने भी डस्ट पार्ट होंगे वो सारे डस्ट पार्ट उससे बाहर आ जाएंगे सो so, इस वे में भी हम लोग सी पी यू को क्लीन करते हैं नाउ मोनीटर मोनीटर को आप ईज़ीली क्लॉथ से जस्ट uh, उसे रब करके उसे साफ़ कर सकते हो ठीक है कपड़े भींगे नहीं होने चाहिए जनरली जो ड्राई क्लॉथ होते हैं सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ होता है स्क्रीन को हमेशा सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से आप साफ करेंगे और बाकी के जो पार्ट हैं आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं बट यू नीड टू यूज़ द सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स ऑनली सो ना द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सो हाउ टू मेंटेन आवर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे मेंटेन uh, करते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं सो फर्स्ट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दैट वी कैन नॉट टच यू नो यू ऑल नो अबाउट दैट सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते एंड दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हार्म बाई ड मलेसियस वायरसेज मलवेयर uh, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बार बार वायरसेज uh, या मलवेयर के थ्रू अटैक uh, में आते हैं यानी वो वायरस और मलवेयर जो होता है वो आपके सिस्टम पर जब भी अटैक करता है सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर को करप्ट करने की कोशिश करता है तो ये सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे बचाते हैं मेंटेन करते हैं उन वायरस के से कैसे मलवेयर से कैसे हम लोग बचाते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टॉपिक में सो so, uh, इसमें इस क्या होता है कि इनटू दिस लाइक कंप्यूटर सिस्टम इज सम स्टोरेज लाइक अ रैम रैम so, uh, uh, में हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा को स्टोर uh, करते हैं देट मीन्स डेटा स्टोर नहीं स्टोर uh, uh, आप टेम्पररली कर सकते हो देट मीन्स कि वाइल यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम दैन अ डेटा विल बी स्टोर इन टू द रैम सो ये रैम पर हम लोग डाटा जो है टेम्परली स्टोर कर सकते हैं वाइल वर्किंग ऑन द रैम इफ यू जस्ट ओपन मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉफ्ट अलॉट ऑफ अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस दैन समाइम्स द रैम विल बी uh slow very slow and your system will be hanged uh due to some uh, like uh overload or uh, um, just uh, virus and malware also सो so, अगर ओवरलोड भी होता है या वायरस और मलवेयर का अटैक भी होता है सो दैट्स वाई योर सिस्टम आर गेटिंग योर रैम इज़ गेटिंग वेरी स्लो सो उस कंडीशन में हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है हमें उसे रिपेयर नॉट जस्ट हमें उसे मेंटेन करना पड़ता है सो so कैसे हम लोग मेंटेन कर है? करते हैं करते हैं हम लोग उसके बारे में अब इस स्क्रीन पे देखते हैं सो फर्स्ट वन इज अ क्लीनिंग क्लिनिंग मेमोरी सो क्लीनिंग आफ मेमोरी मेमोरी दैट मीन्स इट्स अ प्राइमरी मेमोरी मेमोरी डी नॉट द प्राइमरी मेमोरी नॉट अ सेकेंडरी मेमोरी सो so, कैसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी को क्लियर करते हैं कैसे उसके जो कैपेसिटी होती है उसे बिल्डअप फिर से करते हैं उसका मेंटेनेंस करके उसे फिर से करते हैं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं

Now the second one is a use a memory cleaner software. There are some softwares uh, into the market or the net also uh, like a um, memory optimizer RAM optimizer. These are the different, different types of softwares. You just search uh, the Google uh, like a um, memory cleaner software then a lot of options are there. so uh, the cleaners are also used to clean the internal memory that means the main memory of the computer system or the uh, other electronic devices wo uske devices ko kya karta hai jo bhi aapke computer hote hain ya mobile hota hai ya laptop hota hai to jaise hi aap wo cleaner software chalate ho to they will just erase all the previous data into the RAM. रैम वो क्या करता है रैम से डेटा को हटा देता है so, आपका RAM smoothly काम करता है और RAM smoothly काम करेगा तो that means your System working more and more uh, proficient, more and more stability. वहाँ और अच्छे से काम करने लगता है नाउ द थर्ड वन इज अंस्टॉल और डिजेबल सॉफ्टवेयर उसके बाद हम क्या करते हैं यू नीड टू जस्ट अन इंस्टॉल दोज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर नॉ नॉट यूज इन टू यूर सिस्टम यू आर यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सो यू नीड टू अन इंस्टॉल दोज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ uh, नहीं करते हो आप उसे डिजेबल कर दो आप उस प्रोग्राम को वहाँ से इरेज भी कर सकते हो सो so, ये ज़रूरत है आपको ऐसा करने से आपका सिस्टम और भी स्मूथ हो जाएगा

सो दैट मीन्स कि उतने सारे प्रोग्राम अभी एट अ टाइम आपके सिस्टम पे रन कर रहे हैं सो यू नीड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द वन ऑफ द प्रोग्राम दैट आर नॉट नीड टू रन एट द टाइम सो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड देन देयर इज ऑप्शन इन द डाउन ऑफ द डायलॉग बॉक्स देयर इज ऑप्शन ऑफ इंड टास्क सो आप इंड टास्क पे क्लिक करोगे तो वो जो प्रोग्राम है जो रन कर रहा है जो आपके लिस्टिंग में दिख रहा है वो प्रोग्राम जो है वहाँ से हट जाएगा so how to open a task manager uh, you need to just press the key keyboard control alt and delete this is the shortcut key to open the task manager uh, you just uh, open the task manager and check the application uh, tab there is a just below into the menu bar uh, you need to just check out and then uh, you can just stop the program or stop the software that are not needed

नहीं है ना द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग डिस्क स्पेस सो इन आवर सिस्टम देयर इज अ डिस्क लाइक अ एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नल ड्राइव दैट इज अ हार्ड डिस्क सो इन टू द हार्ड डिस्क देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसिस फाइव हंड्रेड जी बी वन टी बी टू टी बी एंड मेनी मोर सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेसिस एंड वाइल यू आर जस्ट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर यूजिंग द फाइल और द क्रिएटिंग और द डिलीटिंग द फाइल्स आर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर सो दैट टाइम दे जस्ट इटअप द अलॉट ऑफ स्पेसिस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इट्स अ वेरी क्विकली वेन यू वन यू आर जस्ट इंस्टॉलिंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर क्रिएटिंग द फाइल्स जैसे जैसे आप फाइल्स को क्रिएट करते हो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो वैसे वैसे क्या होता है कि आपका डिस्क स्पेस कुछ अनयूजलेस स्पेसिस को लेते रहता है ये शायद आप लोग देखते हो आप इंस्टॉल करते हो लाइक टेन एम का सॉफ्टवेयर और वो लगभग एलेवन एम या ट्वेल्व एम लेता है दैट मीन्स की इट टेक्स मोर एंड मोर स्पेस एंड इट्स अ वेरी क्विकली सो वो क्या करता है वो अनयूजलेस स्पेस को ले लेता है तो उस अनयूजलेस स्पेस जो है जो कि स्पेस उसने एक्स्ट्रा ले रखा है तुम सारे स्पेसेस को हार्ड डिस्क के स्पेसेस को कैसे क्लीन करेंगे ताकि हार्ड डिस्क में जो यूजलेस जो स्पेस वो ले रखा है वो डिलीट हो सके उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है फर्स्ट यू नीड टू जस्ट डिलीट द रिसेंट फाइल्स और द टेम फाइल्स टू जस्ट स्मूथ द हार्ड डिस्क टू जस्ट रिमूव द यूजलेस स्पेसिस ऑफ हार्ड डिस्क बिकॉज द टेम्प मेमोरी दैट ऑल्सो स्टोर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यू नीड टू जस्ट जस्ट इम्प्टी और रिसाइकिल बिन ऑल्सो आपको अपने रिसाइकिल बिन को भी इमट्टी uh, करने की ज़रूरत है क्योंकि वो भी यूजलेस स्पेस है क्योंकि आप जो भी चीज़ डिलीट करते हो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है यानी आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से वो नहीं है था वो अभी भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में है सो आपको अपने हार्ड डिस्क को स्मूथ uh, करने के लिए वो सारे जो अनयूजलेस फाइल हैं उसे डिलीट करना पड़ता है एंड अगेन यू हैव टू जस्ट क्लीन अप योर डिस्क देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ क्लीन अप डिस्क

उसे वो क्लीन कर देगा नैसे फाइल क्लीन करता है आपका जो यूजलेस आपके पासवर्ड जो ऑलरेडी सेव कर रखे हैं जो कुकीज़ है ये सारी चीज़ें डिलीट करता है वो साथ ही साथ आपको ब्राउजर्स से जो ब्राउजर्स आप यूज़ करते हो उसके भी जो हिस्ट्री होती है ठीक है उसे इरेज करना पड़ता है क्योंकि वो जो हिस्ट्री में भी बहुत सारे स्पेसेस होते हैं बहुत सारे टेम्प फाइल बना के आ, वो हमारा सिस्टम जो है वो भी आ, हार्ड हार्ड डिस्क में थोड़ा मोटा स्पेस ले लेता है तो उन सारे टेम फाइल को भी हम लोग वहाँ से डिलीट कर सकते हैं वैसे सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ नहीं करते हो तो वो नीड टू जस्ट अनइंस्टॉल दैट टाइप सॉफ्टवेयर वो जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको डिलीट कर देना चाहिए जिससे कि आपका डिस्क जो है जो फालतू स्पेस ले रखा है उसे क्लीन कर देगा तो नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज अ डिस्क डिफ्रेगमेंट सो डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है सो डिस्क डिफ्रेगमेंट इज़ ऑल्सो जस्ट ऑप्टिमाइज योर डिस्क इट्स जस्ट क्लीन अप योर डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंट का भी यूज करते हैं जो अनयूजलेस जो स्पेस इधर उधर ले रखा है सो डिस्क डिफ्रेगमेंट फंक्शन के थ्रू हम लोग उसे जस्ट हटा सकते हैं अगर इसे ओपन करना है तो जस्ट यू गो टू द स्टार्ट बटन जस्ट टाइप इन टू द सर्च ब डिस्क डिफ्रेगमेंट जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंट सर्च करोगे ऑप्शन आ, आ जाएगा यू हैव टू जस्ट ओपन द डिस्क एंड डिफ्रेगमेंट एंड देन यू हैव टू जस्ट चूज़ द ड्राइव लाइक अ सी ड्राइव डी ड्राइव देर इज अ अलॉट ऑफ ड्राइव लाइक सी डी ई एफ एक्सेट्रा वॉट एवर यू वॉन्ट जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव है यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द ड्राइव कि किस ड्राइव को आप डिफ्रैगमेंट करना चाहते हो सो उसे सेलेक्ट करना है एंड देन यू कैन जस्ट इन द बिलो ऑफ द डायलॉग बॉक्स देयर इज अ डिफ्रेगमेंट ऑप्शन यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द डिफ्रैगमेंट ऑप्शन सो दट डिफ्रेगमेंट प्रोसेस विल बी स्टार्ट एंड आफ्टर समटाइम इट विल बी ओवर दैन योर डिस्क इज कम्प्लीटली लाइक स्पेस uh, फ्री uh, जो भी यूजलेस uh, स्पेस होता है वो उसे खत्म कर देता है इफ यू वॉन्ट टू जस्ट बैकअप सम फाइल्स देयर इज अ ऑप्शन टू बैकअप द फाइल्स ऑल्सो सो अकॉर्डिंग टू योर नीड देयर इज अ सम ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज like uh, onedrive google drive dropbox etc uh, so uh, if you have an account on those particular drives then you can just back up your data into uh, that uh, drives also now the next one is uh, optimizing performance of the computer how look computer performance of the optimize we can just see now there is some step sorry uh, some uh, process to upgrade our computer performance so first upgrade the operating system and other softwares regularly to make sure they are up to date and perform to the best capacity if the softwares will be updated then it will be performed more and more reliable and it will be perform more and more स्मूथली सो यू नीड टू जस्ट अपग्रेड योर सिस्टम अपग्रेड योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो मोबाइल में आप लोग देखते हो गए कंप्यूटर में भी आप लोग देखते हो गए कि आपको हमेशा अपडेट uh, करने का ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करने का ऑप्शन आता है सो so इसी तरह जस्ट कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने का या सॉफ्टवेयर अपडेट का इसका भी ऑप्शन आता है सो यू नीड टू जस्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अपग्रेड दैट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग स्मूथली और अपग्रेड करते क्यों हैं अपड अपडेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है बिकॉज uh, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो डे बाई डे जो डेवलपर्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उसमें आज के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई खामियाँ हैं तो वो उसको रिकवर करके उसका नया अपड्रेडेड वर्सन लॉन्च करते हैं ताकि उसमें प्रीवियस वर्सन के फैसिलिटी तो रही है साथ ही साथ उसमें कुछ और न्यू अपडेटेड फैसिलिटी आ जाए जो पिछले वर्सन में कुछ ईयर्स थे वो रिकवर कर जाएँ और इस वर्सन में वो नया करके लाए सो दैट्स वाई उसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है और डेवलपर जो है हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं अगर वो अपग्रेड ना करें तो uh, जो सॉफ्टवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ईरड़ आता रहेगा नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रन मेंटेनेंस टास्क फिजिकल एज वेल एज इंटरनल एंड एट रेगुलर इंटरवल्स सो एवरी टाइम आपको जो मेंटेनेंस टास्क होते हैं uh, जैसे डिस्क uh, क्लीनअप हो गया डिफ्रैगमेंट हो गया ठीक है और साथ ही साथ जो फिजिकल जो आप मेंटेनेंस करते हैं लाइक एयर कंप्रेसर से डस्ट फ्री करते हैं ब्रश अप करते हैं सो so ये सारी चीज़ों को आपको कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी नाउ स्कैन योर कंप्यूटर फॉर वायरस एंड मलबेयर एंड रिमूव दैम रेगुलरली सो फर्स्ट यू नीड टू जस्ट इंस्टॉल द एंटी सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट द वायरसेज सो so, uh, अगर आप जैसे ही आप एंटीवायरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सो यू नीट टू जस्ट स्कैन द होल सिस्टम थ्रू द एंटीवायरा सॉफ्टवेयर एंड यू नीट टू अपडेट ऑल्सो आप एंटीवायरा सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करना पड़ेगा एंड दैन आप उसके थ्रू अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हो स्कैन करने से जो आपका सिस्टम है वायरस फ्री हो जाता है साथ ही साथ बहुत सारे जो यूजलेस स्पेसेस हैं वो भी वो क्लियर कर देता है जो कि वायरस के द्वारा ले लिए जाते हैं वायरस कभी कभी क्या करता है आपके सिस्टम में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल बनाता है मल्टीपल फाइल बनने की वजह से क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेटा बहुत ज़्यादा स्पेस खाने लगता है स्पेस बहुत ज़्यादा उसमें रिकवर करने लगता है सॉरी उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लेने लगता है तो so, वहाँ पे जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाते हो तो वो जो स्पेसेस हैं वो भी जस्ट रिमूव हो जाते हैं वहाँ से वायरस रिमूव होता है तो स्पेस भी खाली हो जाता है नाउ अपडेट डिवाइस ड्राइवर्स फॉर वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस टू मेक देम परफॉर्म ऑप्टिमली सो यू हैव टू यू नीड टू जस्ट मैंने पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना पड़ता है सो डिवाइस ड्राइवर इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर सो यू नीड टू जस्ट अपडेट दैट डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इफ़ अगर आपके पास आ जाता है अपडेट तो यू नीड टू अपडेट दैट सॉफ्टवेयर इफ रिक्वायर्ड इंस्टॉल मोर रैम टू बूस्ट अप द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर यू हैव टू जस्ट रिक्वायर द मोर रैम टू बूस्ट अप दैट मीन्स आप अगर चाहते हैं कि कंप्यूटर uh, का स्पीड स्लो है तो यू अगर आप चाहो तो उसे न्यू uh, एक अलग रैम भी या एक्स्ट्रा रैम भी लगा सकते हो और आपको बूस्टअप सॉफ्टवेयर उसे यूज़ करने का जैसे मतलब जो क्लीन अप सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप उस रैम में हमेशा यूज़ करोगे अगर स्लो uh, लग रहा है तो आप अगर रैम को इन्हांस करना चाहते हो तो इनहस भी कर सकते हो यूज़ फायर वॉल एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर योर कंप्यूटर इज़ फ्री ऑफ वटवेयर एंड मेलवेयर सो यू हैव टू जस्ट ओपन द फायर वॉल सेटिंग्स जस्ट गो टू द स्टार्ट बटन एंड जस्ट सर्च द फायर वाल्स विंडोज़ फायर वाल सो जैसे आप विंडोज़ फायर वॉल सर्च करोगे आ, वहाँ पे एक डिफेंडर ओपन हो जाएगा जो फायर वॉल डिफेंडर होता है ठीक है वो डिफेंडर ओपन होगा एंड वहाँ से आपको फायर ऑन कर देना है फायर वाल ऑन करने से क्या होता है जो भी अनऑथराइज एक्टिविटी होती है ठीक है या मलवेयर अटैक uh, होता है इन सारी चीज़ों से हमें राहत मिल जाता है वो सारे अटैक्स बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं रेयरली केसेस में होते हैं अगर हम सब कुछ अपडेट करते रहें तो नाउ अन इंस्टॉल कम्प्यूटर प्रोग्राम्स नो लॉन्गर नीडेड दैट मीन्स कि आपको वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल कर देने हैं जिनकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है सो so, वैसे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आप उसे अन इंस्टॉल कर दें सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्सन अगेंस्ट मलवेयर एंड वायरसेस सो आई थिंक यू नो अबाउट द मलवेयर और वायरस वायरस और मलवेयर के बारे में सब लोग जानते हो सो so, uh, फिर भी मैं एक बार बताएता हूँ तो, मलवियर करता क्या है वॉट इज़ द of malware. So malware refers to any program or piece of software that is copied to your computer without your knowledge and is intended in, uh, to cause to the normal functions of a computer. That means key if uh, you, if the virus um, just uh, attack into your computer, so you have no knowledge uh, that uh, what happens in your computers. आपके कंप्यूटर में क्या हुआ आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा वायरस स्मूथली साइलेंटली वे में आपके कंप्यूटर में घुसता है एंड वो मल्टीपल टाइप्स के फाइल्स को बनाने लगता है जिसकी वजह से मैंने पहले भी बताया कि आपके कंप्यूटर का जो मेमोरी स्पेस है वो धीरे धीरे फुल होने लगता है साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मलवेयर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे वायरसेज होते हैं जो आपके डेटा को भी कॉपी कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे वायरसेस हो सॉरी ऐसे वायरसेज होते हैं जिसके थ्रू आपसे कभी कभी रैनसम भी मांगा जाता है लाइक द नेम ऑफ दैट वायरस इज़ लाइक रैनसम वेयर वायरस सो रैनसम वेयर वायरस एक ऐसा वायरस है मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा रखा है कि वैसे वायरसेज जो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं और उसके बाद उसके एवज में उस डेटा को छोड़ने के लिए फिर से आपसे पैसा मांगा जाता है दैट इज़ द अन्नसमेयर साफ वायरसेज सो द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेज इन आवर मार्केट सो इन आवर लाइक इनवायरमेंट लाइक इन्वायरमेंट नॉट इट्स इंटरनेट नेटवर्क इट्स अ नेटवर्क सो नेटवर्क में बहुत सारे वायरसेज होते हैं सो so, हम लोग उससे कैसे अपने सिस्टम को बचाते हैं हम लोग उससे देखते हैं सो so, सबसे पहले सोर्स ऑफ मलवेयर सो कंप्यूटर मलवेयर यूजली स्प्रेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वे सो कंप्यूटर में जो uh, जो मलवेयर होता है वो कैसे फैलता है सबसे पहले हम लोग uh, इसको देखते हैं कि मलवेयर फैलता कैसे है थ्रू द रिमूवेबल मीडिया सो रिमूवेबल मीडिया दैट मीन्स इट्स अ पेन ड्राइव और अर अ डी वी डी एट्सेट्रा सो द वायरस विल बी स्प्रेड थ्रू दीज टाइप्स ऑफ ड्राइव इफ द ड्राइव इफ द सम वन पेन ड्राइव विल इन्फेक्टेड टू द Like uh, some viruses, some malware, some spywares. Uh, so when uh, they uh, use the particular pen drives into the different types of system, then a uh, viruses will be entered uh, on that system also. जब आपका pen drive infected हो गया होगा, जब pen drive infected हो गया है, तो that time अगर आप उस समय किसी भी अदर system में अगर आप उस pen drive को या CD drive को ठीक है या डीवीडी ड्राइव को आप यूज़ करते हो तो वो जो वायरस है वो कॉपी हो के आपके उस नए वाले सिस्टम में जिसमें आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी वो वायरस इंटर कर जाएगा सो रिमूवेबल मीडिया इज़ अ मेन सोर्स टू जस्ट स्प्रेड द वायरसेज और अ मलवेयर और ट्रॉजन स्पाइव या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेज ऑल्सो दैन नाउ द नेक्स्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्राम द इंटरनेट वेल यू डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर इन टू द इंटरनेट सो दैट टाइम वॉट हैपेंस सम सॉफ्टवेयर्स जस्ट टेक सम लाइक वायरसेस कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वायरस पहले से uh, लगा हुआ होता है पहले से उसमें वो सॉफ्टवेयर ही ऐसे होते हैं जो वायरस uh, Uh, उसके थ्रू आपके सिस्टम में जा सकता है बहुत सारे ऐसे नेट पे आपको साइट्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली उनका काम ही होता है वायरस को फैलाना अब आपको सॉफ्ट वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को भी बनाते हैं जो ऑलमोस्ट जो पॉपुलर हैं वैसे सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं आप उस पर जाते हो जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो और उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके सिस्टम में वो वायरस इंटर कर जाएगा सो इंटरनेट इज़ द मेन सोर्स टू जस्ट स्प्रेडिंग द software also so you need to just uh, install the antivirus so if you, if you have an antivirus then uh, when you just uh, download the software through the internet then no 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 viruses will be entered into your system next one is through the email attachment when you just attach some files if your if your system will be infected वायरस विल बी जस्ट अटैच थ्रू द मेल ऑल्सो अगर आपका uh, जो कंप्यूटर है वो पहले से इन्फेक्टेड है एंड दैट टाइम यू जस्ट अटैच सम फाइल्स थ्रू द इंटरनेट टू सेंड समन सो उस समय भी क्या होता है वो जो फाइल्स है उसमें जो वायरस है वो अटैच हो जाता है और जैसे ही वो जिसके जो जिसके पास आपने भेजा है वो जब उसे डाउनलोड करता है कॉपी करता है तो उस समय वो जो वायरसेस हैं वो उसके सिस्टम में अगर उसका सिस्टम प्रोटेक्टेड नहीं है तो उस समय उसके सिस्टम में वो वायरस इन करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है सो so, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है वायरस को फैलाने के लिए नाउ द नेक्स्ट वन इज़िडिक सॉरी इंडिकेशन ऑफ़ मलवेयर इन्फेक्शन अब मलवेयर इन्फेक्शन का इंडिकेशन क्या होता है दैट मीन्स कि जब हमारे सिस्टम में वायरस लग जाता है इन कर जाता है तो so, उस कंडीशन में हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा हो जाता है हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगती है हम उन सारे चीज़ों के बारे में देखते हैं सो फर्स्ट वन इज़ अ प्रोग्राम टेक्स लॉन्गर दैन यूजल टाइम टू लोड एंड मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशन टेक अ लॉर ऑफ़ टाइम टू स्टार्ट दैट मीन्स की वैन यू यूजिंग द प्रोग्राम्स दैन इट विल बी टेक अ लॉन्ग टाइम टू ओपन जब आप प्रोग्राम ओपन करते हो तो वो और भी ज़्यादा समय लगाता है ओपन होने में जैसा कि पहले नहीं लगा था तो दिस इज द सम लाइक इंडिकेशन ऑफ मलबेयर इट्स अ इंडिकेशन ऑफ मलबेयर ऑल्सो सो अ हार्ड डिस्क ड्राइव शोज नो स्पेस ऑल दो देर इज़ अ इनफ स्पेस दैट मीन्स इफ यू हार्ड डिस्क हैज़ नॉट अ इनफ डेटा लाइक यू हार्ड डिस्क इज़ अ ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड जी बी एंड यू जस्ट इन यू जस्ट टू पुटअप द डाटा ऑलमोस्ट टू हंड्रेड जी बी

ये कैसे हो सकता है दैट मीन्स देर इज़ सम प्रॉब्लम ठीक है तो दैट इज़ द जस्ट इन्फेक्टेड बाई द वायरस इज ऑल्सो द फाइल फार्मेट्स चेंज ऑन देअर ऑन वेन यू ट्राई टू एक्सेस दैम ये फाइल फार्मेट जो है ऑटोमेटिक क्या होता है चेंज हो जाता है जब भी आप उसे ओपन करने की कोशिश करते हो सो ऑटोमेटिकली अपना ये फाइल फॉर्मेट ही चेंज कर लेता है अपने फाइल डॉक uh, में लगा रखा है वो जी पी जी बन जाएगा जी पी जी में लगा रखा लगा है वो दूसरा फार्मेट बन जाएगा सो दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ लाइक मलबेयर सो द न्यू फाइल्स कीप अपियरिंग ऑन द कंप्यूटर बट यू डू नॉट नो वेयर दे कम फ्रॉम जो बहुत सारे फाइल्स होते हैं कभी कभी अपने आप कुछ नया फाइल्स आपके डेस्कटॉप पे बन जाता है जो आपने कभी नहीं बना रखा है तो ये भी उसका सिंबल है ये भी उसका इंडिकेशन है द फाइल ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट गेटिंग डिलीटेड ऑन देअर ऑन समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि आपका जो फाइल होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है कंप्यूटर से ठीक है या पेन ड्राइव में आप डेटा रखे हो वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है सो दैट इज द जस्ट इंडिकेशन ऑफ द लाइक अ वायरस वेन द सिस्टम और द uh, पेन ड्राइव विल बी वायरस इन्फेक्टेड दैन द डेटा विल बी ऑलरेडी इरेज और ऑटोमेटिकली uh, ये डेटा क्या होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज हो जाता है सो नेक्स्ट चीज़ है फाइल्स है यू डू नॉट recognize फाइल का नाम जो है तो ऑटोमेटिकली चेंज होकर कुछ अलग नाम हो जाता है सो <coughs> so, इससे क्या होता है कि आप समझ सकते हो कि ऐसा जब आपने नहीं किया तो वो किसी न किसी और का काम होता है और वो वायरस का ही काम होता है सम टाइम्स दियोर सिस्टम विल बी रिबूटेड ऑटोमेटिकली कभी कभी ऐसा भी होता है आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है एंड जस्ट दे शो सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज सम एयर मैसेज वाइल ओपनिंग सम लाइक सम अदर फाइल्स और फोल्डर्स आ रहा सॉफ्टवेयर और बूट ऑल्सो सो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज मैसेज भी शो करते हैं सो so आपका सिस्टम अगर री स्टार्ट होता है तो वो भी इसी का एग्जांपल है मैसेज अगर आता है अनऑथराइज मैसेज आता है तो ये भी उसी का एक जस्ट मे बी कि इनफेक्टेड हो सकता है इन लेबिलिटी टू एक्सेस द हार्ड ड्राइव्स और डिस्क ड्राइव ये क्या होता है कि आपका हार्ड डाइस्क और डिस्क ड्राइव में uh, मतलब इंटर uh, ही नहीं करने देता है कभी कभी आपका हार्ड डिस्क नहीं ओपन होगा डिस्क ड्राइव नहीं ओपन होगा सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन द कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग कंप्यूटर आपका वर्क करना बंद कर देगा इंस्टॉल मेमोरी बिकम्स लेस विदाउट एनी रीज़न आपका जो मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेसन अनएक्सप्लेन मैसेज अपियर्स ऑन द स्क्रीन जो अनएक्सप्लेन मैसेज होते हैं uh, मैंने अभी जस्ट बताया अनऑथराइज मैसेज जो होते हैं वो सारे मैसेज स्क्रीन पर आने लगते हैं एंड uh, ज इंटायर डिस्क और ड्राइव इज इरेज अपने आप कभी कभी पूरा का पूरा डिस्क इरेज हो जाता है सो so ये भी वायरस के ही लक्षण हैं ये सारे अगर फंक्शंस आपके सिस्टम में हो रहे हैं आपके पेनड्राइव के साथ हो रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि देयर इज़ सम इन्फेक्शन ऑफ वायरसेज ऑल्सो सो वट मलवेयर कैन डू मलवेयर क्या क्या कर सकता है हम लोग इसके बारे में देखते हैं सो देयर इज़ सम लाइक पॉइंट्स हाउ मलवेयर वट मलवेयर कैन डू सो मलवेयर स्टिल योर इरेज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल डेटा और फिनेंशियल डेटा या आपके पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल डेटा को भी इरेज कर सकता है मलवेयर फ्लूट्स योर ब्राउजर एंड पॉपअप एडवर्टाइजिंग देयर बाय स्लोइंग डाउन योर नेटवर्क कनेक्शन एंड रिड्यूसिंग योर प्रोडक्टिविटी वो क्या करता है मलवेयर आपके ब्राउजर के थ्रू पॉपअप मेन्यू के थ्रू बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी है आपके सिस्टम में आते हैं सो <coughs> so ये क्या करता है उन सारे कभी कभी उस नेटवर्क में जाके उसके नेटवर्क कनेक्शन को भी डाउन कर सकता है और जो प्रोडक्टिविटी है जो आप काम कर रहे हो उसे बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता है कभी कभी देखते हो आपका नेट भी स्लो होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क में अगर वायरस लग जाता है तो आपके बैंडविथ को वो खा जाएगा बैंडविथ होता है कंप्यूटर की स्पीड उस पर डिपेंड करती है तो so, बैंडविथ पे कंट्रोल कर लेता है बैंडविथ को खा जाता है तो इसके वजह से आपके पास क्या होता है जो नेटवर्क स्पीड है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो ये भी वायरस के ही लक्षण है वायरस ये सब भी कर सकते हैं सो मलवेयर स्पैम्स योर बॉक्स विथ एडवर्टाइजिंग ई मेल लीडिंग टू क्लैटर एंड वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एज ऑल्सो जस्ट टेक सम एक्स्ट्रा स्टोरेज इन टू योर इनबॉक्स और द लाइक योर डिस्क्राइव इन टू द मेल यू हैव टू जस्ट गेटिंग द सम स्पैम्स भी आते हैं सो स्पैम मिल्स का मतलब होता है कि वो भी एक तरह का वायरस ही है अगर आप उस पर क्लिक करते हो उसे ओपन करते हो तो उसके थ्रू भी आपके सिस्टम में वायरस लगने का खतरा होता है वैसे जनरली हमारे जो मोस्ट uh, पॉपुलर मेल्स हैं उन सारे मेल्स uh, में पहले से स्पैम फिल्टर लगा हुआ होता है यानी कि स्पैम जो भी मेल आते हैं यानी जो अनऑथराइज मेल्स आ रहे हैं वैसे मेल्स के वो वो पहले से स्पैम फोल्डर में डाल देता है ताकि वो आपको इनबॉक्स में दिखे ही नहीं अब अगर आप स्पैम फोल्डर में जाके उसे ओपन करते हो तो इट मे बी कि ये हार्मफुल हो सकता है आपके लिए मलवेयर स्लो डाउन और क्रैश योर कंप्यूटर्स ये क्या करता है आई नो यू आल नो अबाउट दैट ये स्लो कर देता है कंप्यूटर को और क्रैश भी कर सकता है समटाइम्स इट जस्ट लाइक इट जस्ट लाइक जस्ट क्रश योर हार्ड डिस्क ऑल्सो ये हार्ड डिस्क मेमोरी ऑल्सो ये हार्ड हार्ड डिस्क की पूरी की पूरी मेमोरी को ही करप्ट कर देता है क्रस कर देता है जिसकी वजह से आपका पूरा हार्ड डिस्क खत्म हो जाता है मलवेयर कैन डिस्ट्रॉय योर फाइल्स एंड डिस्क ये आपके फाइल्स और डिस्क को भी खत्म कर सकता है मलवेयर अलाउज़ हैकरस टू गेट होल्ड ऑफ योर कंप्यूटर दैट मीन मैंने पहले बताया रैनसम वेअर के बारे में दैट कैन जस्ट इंस्टॉल योर इंस्टॉल इन यूर फाइल्स एंड आफ्टर दैट सम हैकर जस्ट कॉन्टैक्ट विथ यू एंड दे आर गेटिंग सम मनी टू जस्ट लीव योर सिस्टम स्टेटा आपके पर्सनल डेटा को छोड़ने के लिए वो आपसे कुछ uh, रैनसम के लिए भी कॉल कर सकता है सो दिस इज ऑल्सो लाइक थ्रू द जस्ट इट इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द वायरस इज ऑल्सो मलवेयर कैन इंस्टॉल अदर मलवेयर ऑन टू योर यंप्यूटर दैट ये मलवेयर जो क्या होता है अगर एक मलवेयर आप में गया तो दे हैव अ कैपेसिटी टू इंस्टॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मलवेयर सिस्टम्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट मलवेयर कैन नॉट डू अब मलवेयर क्या क्या नहीं कर सकता है उसके बारे में हम लोग देखें सो मलवेयर कैन नॉट हार्म रीड ऑनली मेमोरी लाइक सी डी राम डी वी डी राम ये रोम को सी डी राम डी वी डी राम राम को हार्म नहीं कर सकता है मलवेयर कैन नॉट काउज डैमेज टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम एज दीज डिवाइसेज आर नॉट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर अगर वो डिवाइज सॉफ्टवेयर से नहीं रिलेटेड है तो वो उसको हार्म नहीं कर सकता है मलवेयर डज नॉट काउज यूर कंप्यूटर सिस्टम टू स्टॉप फंक्सनिंग एज इट नीड्स टू कंप्यूटर सिस्टम टू काउज फर्दर डैमेज दैट मीन्स कि ये क्या कर सकता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग को स्टॉप नहीं कर सकता है स्लो डाउन कर सकता है कम्प्लीटली रोक नहीं सकता है सिस्टम uh, को काम करने से सो दीज आर सम लाइक वायरस कैन नॉट डू मलवेयर कैन नॉट डू सो दीज फंक्शंस कैन नॉट डन बाई द मलवेयर्स नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम मलवेयर हम लोग मलवेयर से कैसे uh, निजात पा सकते हैं सेफ रह सकते हैं सो देर आर सम प्रोसेस टू जस्ट There are some steps to uh, just ensure the safety from the malware. So, first install an antivirus software to scan your computer for malware and viruses and remove them. Now, the next one is install a firewall to prevent unauthorized access. Take a firewall to prevent unauthorized access to private networks by the users connected to the network. ये नेटवर्क से जो भी कनेक्ट होते होते हैं उनको अपना फायर जो होता है कंप्यूटर का फायर मैंने बता दिया है कैसे ऑन करना है तो आई आई होप कि सब लोग समझे हो सो फायर so को ऑन करके अनऑथोराइज एक्सेस को रोक देना है बिफोर यू रन अ प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम चेक इट विथ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वेल यू आर रनिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स देन यू हैव टू जस्ट चेक और स्कैन दो सॉफ्टवेयर थ्रू द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एवरी टाइम यू इंसर्ट एनी रिमोवेबल मीडिया इन टू यूर कंप्यूटर सिस्टम सो यू नीड टू जस्ट स्कैन फर्स्ट फॉर द मलवेयर आपको सबसे पहले उसे स्कैन कर लेना है स्कैन करने के बाद ही उसे आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज आपको सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल आप करते हो आप लोड जो करते हो वो किसी भी ट्रस्टेड साइट से ही आप करो अगर वो ट्रस्टेड साइट नहीं है तो आप वहाँ से लोड मत करो नाइक नेक्स्ट वन डू नॉट ओपिन ई मेल अटैचमेंट विदाउट स्कैनिंग नेम बिना स्कैन किए हुए ई को आप नहीं खोलना कभी भी इट ऑल्सो काउस फॉर द वायरस ऑल्सो स्कैन फाइल ट्रांसफर थ्रू अ नेटवर्क और रिमूवेबल डिस्क जो आपका जो नेटवर्क से आया रिमूवेबल डिस्क के थ्रू आया उसे स्कैन करना एडजस्ट सिक्योरिटी सेटिंग इन योर ब्राउजर टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मैंने पहले भी बता रखा है पिछली क्लास में मैंने बताया था आई थिंक ये कूकीज़ को डिजेबल कर देना है जिसके थ्रू क्या होता है जो ब्राउजर में जो भी अनऑथराइज एक्सेसिंग होती है वो उसे रोक देता है आपका ब्राउजर भी प्रोटेक्टेड हो जाता है नेवर यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ करने हैं हमेशा ऑथराइज सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें पायरेटेड सॉफ़्टवेयर में ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है ऑलवेज कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट विथ लेटेस्ट वर्सन डेफिनेशंस ऑलवेज क्या होता है हमेशा जो सॉफ्टवेयर क्या होता है उसे अपडेट करते रहना पड़ता है जिससे कि वायरस का खतरा हमारे सिस्टम पे कम रहे नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड uh, मैंने पहले बता रखा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है सो द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज जनरली यूज टू रिमूव द वायरसेस इसको अगर जनरलाइज मीनिंग होता है तो जस्ट रिमूव वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अलॉट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक क्विक ए बी जी नॉटन अवास्ट नॉट थर्टी टू एम कैफे सो दीज आर सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इज अ क्विकिल एंड क्विक क्विकिल इज़ अ कैपेसिटी टू जस्ट इट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक अ टिपिकल मलवेयर्स ऑल्सो जो uh, ये होता है इसमें, uh, typical जो इसमें टिपिकल जो मलवेयर्स होते हैं उसमें इसको रिमूव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है इंटरनेट प्रोटेक्शन भी इससे कहीं ज़्यादा मिलता है सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्टवेयर्स आर द सेम बट देर आर सम सॉफ्टवेयर्स हैव अ सम मोर कैपेसिटी अदर दैन दैन द अदर सॉफ्टवेयर सो नाव यूजिंग एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग इसे कैसे यूज़ uh, करते हैं सो so, हम लोग देखेंगे So first you have to just start button and um, then uh, there is a option of quick Heal internet or otherwise you can just search through the search command search command ke through up search because of the quick antivirus security if uh, that is installed into your computer then it uh, you will just see uh, the option quick Hill antivirus security. who just quick antivirus security option you need to just click on it the antivirus software will be open into your screen. Now the software will be open into the screen while uh, when we select the quick hill then the quick hill uh, dialog box quick hill software uh, will be open into your screen there is the option of the scan so you need to just uh, choose the scan there is a different different types of option like uh, you have to just need to full scan they scan all of your parts of the computer you need to custom scan custom scan that means it's a uh, bifurcate uh, differentiate of all the drives also or the एक्सटर्नल ड्राइव्स आल्सो सो वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अलग से भी मिल जाएंगे स्कैन कस्टम स्कैन में आप उसमें से जिसे भी आप स्कैन करना चाहते हो जिस भी ड्राइव जिस भी फाइल को स्कैन करना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को चुनोगे तो और उसे ओके okay पे क्लिक कर दोगे एंड देन यू हैव टू चूज़ द स्कैन स्कैन पे जैसे ही चूज करोगे वो फाइल आपका स्कैन होने लगेगा एंड आफ्टर स्कैनिंग इफ़ एनी वायरसेस देन इट सोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द वायरसेस कि दिस वायरसेस इज फाउंड इन टू योर दिस ड्राइव और दिस फोल्डर and then if uh, no virus is found then it will be just show the message no virus found so you have to just uh, see this uh, like uh, if a virus it will be shown the different types you are, you need to just uh, remove the virus you have option to remove the virus you need to just click the remove virus or if virus not found then simply you have to just uh, close it now updating antivirus to so update kaise karte hain uh, there is option of update but every uh, software has some automatic updates, so it will be automatically updates while you are connecting to the internet. but uh, you need to just uh, update uh, uh, like uh, manually. so manually we have to say update uh, there is the option to update. Uh, you have to just click on the update button. then uh, when you're, you have just connected to the internet, uh, after clicking the update button, uh, they start the update uh, also. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ रिमूविंग स्पैम फ्रॉम ई मेल हम लोग ई मेल से कैसे स्पैम uh, को रिमूव करते हैं इसके स्टेप्स को देखते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट लॉग इन योर अकाउंट दैन आफ्टर लॉग इन क्या करना है लॉग इन करने के बाद आप उसे देखोगे कि आपके स्क्रीन पे जो अकाउंट है वो लॉग इन हो गया है नाउ देयर इज ऑप्शन टू रिपोर्ट स्पैम आईकॉन रिपोर्ट आई स्पैन आईकॉन होता है जैसे आप किसी भी मेल को सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि स्पैम फोल्डर में इसे डालना यानी रिपोर्ट टू तो इसमें यानी कि जो भी स्पैम फाइल्स है उसे स्पैम फोल्डर में डाल देना है मैंने पहले ही बता रखा है स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है हमारे सिस्टम में बाई डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम मेल्स जो स्पैम से होते हैं वो हमारे उस फोल्डर में चला जाता है बट अगर कोई मेल ऐसा है जो आपको लगता है कि ये वायरस है या अनथराइज मेल है तो आप डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करके और रिपोर्ट टू स्पैम कर दोगे तो वो जो मेल है वो डायरेक्टली स्पैम फोल्डर में चला जाएगा सो योर ई मेल इज़ अ वायरस फ्री आफ्टर दैट क्या होगा उसका आपका ई मेल जो हो जाएगा वो वायरस फ्री हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट रिमूविंग टेम्प्रोरी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर्स आपके कंप्यूटर uh, में जो भी uh, जो फाइल्स होते हैं जो टेम्प्रोरी uh, फाइल्स होते हैं मैंने पहले भी बताया कि कैसे टेम्प फाइल को हम लोग रिमूव करते हैं तो इसके बारे में भी हम लोग देख लें ये हमारा बेस्ट प्रोसेस है मैंने वहाँ भी बताया था जस्ट यू हैव टू जस्ट गो टू द स्टार्ट बटन जस्ट टाइप द लाइक टेम्प फाइल्स टेम्प्रोरी फाइल्स इन टू द सर्च बार और जस्ट क्लिक ऑन इट दैन टेम्प फाइल विल बी अपीयर यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट ऑल एंड जस्ट क्लिक द डिलीट बटन इन टू द की बोर्ड वहाँ से डिलीट बटन प्रेस करोगे वो uh, वहाँ से सारा डिलीट हो जाएगा जो भी टेम्प्रोरी फाइल्स है there is another process like just go to the start button and search bar you have to just type the run and run type karne ke baad wahan pe jaise run ka dialog box open hoga you need to type percent temp percent jo math ka jo percentage nikalte ho to percentage ka jo sign hota hai so percentage sign then temp and then percentage and then click to okay jaise aap okay पे click करोगे आपके पास एक folder खुले एक folder खुलेगा एक dialog box आएगा जहाँ पे बहुत सारे files होंगे you need to just select all the files and then press the डिलीट ऑप्शन डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे वो सारा का सारा फाइल जो है डिलीट हो जाएगा तो ये सारे प्रोसेस हैं हम लोग कैसे रिमूव करते हैं टेम्प्रोरी फाइल्स को सो so, होप कि सबको समझ में आ गया होगा कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा देर इज़ अ वन अदर प्रोसेस लाइक गो टू द स्टार्ट बटन एंड ऑल प्रोग्राम देर इज़ अ सिस्टम

so the next point is preparing a maintenance schedule so you need to just follow these maintenance schedule regularly based if you have a computer system if you have a laptop then you need to just uh, maintain your uh, laptop or the pcs because machines

उसे क्या करना पड़ेगा साफ़ करना पड़ेगा रिप्लेसिंग ऑल ब्रोकन डिवाइसिस अगर कोई डिवाइस टूट गया है तो जस्ट यू हैव टू रिप्लेस इट रिप्लेसिंग ऑल फॉल्टी एंड ब्रोकन कनेक्टर्स ऑफ एंड वॉयस यू हैव टू जस्ट नीड टू रिप्लेस ऑल द फॉल्टी कनेक्टर्स जो भी टूट uh, गए हैं जो फॉल्ट uh, हो गया है अगर किसी में किसी में प्रॉब्लम हो गई है वायर में तो आप उसे रिप्लेस कर दोगे इंस्टेंटली क्लीनिंग एंड ओपनिंग ऑल ेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेरीफेरल्स जो भी आपके कंप्यूटर के एवेंट्स हैं जहाँ जहाँ भी जगह है कंप्यूटर जो आपका सी पी यू बॉक्स होता है उसके अंदर भी जितने भी पेरीफेरल्स हैं सबको क्लीन करना है क्लीनिंग एंड वर्क एरिया वेर द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस आर प्लेस जो भी आपका और भी जो जगह है जहाँ पर आप उन सारे डिवाइस को रखे हुए आपको उसे भी क्लीन करने की ज़रूरत है अन इंस्टॉल अनवान्टसोल्यूट प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर जो भी अनवान्ट प्रोग्राम्स हैं यू नीड टू जस्ट रिमूव और अन इंस्टॉल दैट प्रोग्राम taking a regular backup of data stored in your computer on an external devices such as dvd pen drive and external hard disk so you, you need to just backup that data and uh, when you using the pen drive or the cd drive you need to first scan that particular drive so mind it you need to just scan those drives now checking that प्रीवियस बैकअप और वर्किंग कंडीशन आपको हमेशा चेक करते रहना है कि जो बैकअप आपने बना रखा है वो रेगुलरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है रनिंग रेगुलरली स्कैन मलवेयर एंड वायरस प्रोटेक्शन सो so, आपको क्या करना है कि हमेशा जो है कंप्यूटर गम, को स्कैन करते रहना है वायरस को अपडेट करते रहना है एंटीवायरस जो होते हैं उसे अपडेट करते रहना पड़ता है कंप्यूटर को हमेशा रेगुलरली स्कैन करना है एंड यू नीड टू जस्ट अपडेट ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स सो यू नीड टू नीड टू इंस्टॉल ऑल दोज अपडेट्स यू रिवाइजिंग द यू नीड टू जस्ट ओपन द फायरवल सेटिंग्स ऑल्सो एंड क्लियरिंग ऑफ अनवान्टेड और डुप्लीकेट ऑब्सोल्यूट फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर जो भी आपके फाइल में अनवान्टेड फाइल्स हैं यू नीड टू जस्ट रिमोव इट क्लियरिंग द ब्राउजर हिस्ट्री एंड कूकीज़ फ्रॉम द कंप्यूटर मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको ब्राउजर हिस्ट्री और कुकीज़ को इरेज कर देना है हमेशा आपको रनिंग डिफ्रैगमेंट डिस्क डिफ्रेगमेंट यूटिलिटी टू कीप द हार्ड डिस्क एट ऑप्टीमल परफॉर्मेंस लेवल दैट मीन्स यू नीड टू जस्ट डिफ्रैगमेंट योर ड्राइव्स बाय अ सॉर्ट ऑफ टाइम अ्रेडिंग एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर वेन इट बिकम्स नेसेसरी है आपको जैसे जैसे नेसेसरी हो आप कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को लाइक uh, अपग्रेड like कर सकते हो उसे चेंज कर सकते हो इफ दे आर सम फॉल्ट यू नीड टू जस्ट रिप्लेस दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर सो द चैप्टर विल सो द चैप्टर इज फिनिश ये चैप्टर फिनिश हो गया है देयर इज समैप ऑप्शन एंड यू नीड टू जस्ट राइट एंड लर्न द recap because it has some it contains some important points you need to just write into your copy so recap job honi chahiye. now it is a assessment time so there is some assessment uh, into uh, this screen there is some question answer like a question a that is a mcq question b that is a true and false question c that is the an answer of the following so uh, you have to just आंसर दीज क्वेश्चन एंड राइट डाउन इन टू योर होमवर्क कॉपी आपको अपने होमवर्क कापी में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेने हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए होने चाहिए ऑब्जेक्टिव और जो आपका ट्रू एंड फॉल्स है उसे आप अपने क्लासवर्क कॉपी में लिख लोगे बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क uh, कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए नाउ द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट जोन सो असेसमेंट जोन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री चैप्टर्स दैट वी कैन रीड इन द प्रीवियस क्लासेज जो हमने पहले के क्लासेस में आ, हमने चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री पढ़ा वो तीनों चैप्टर का मिक्सअप लाइक चैप्टर वन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर टू लाइक अ फाइल सिस्टम एंड चैप्टर थर्ड दैट नाउ इन दिस क्लास वी रीड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सो ये जो uh, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तीनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चन हैं असाइनमेंट जोन में जो भी चैप्टर्स हैं देखो आपके तीनों चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं लाइक एम सी क्यू है द like ब्लैंक्स है ट्रू एंड फॉल्स है वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं शॉर्ट आंसर्स हैं और लॉन्ग आंसर्स हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इन सारे इन सारे क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क कॉपी में आ, बना के लिख लोगे क्योंकि इट्स अ वर्कशीट ऑफ ऑल दोज थ्री चैप्टर्स ये तीनों चैप्टर का वर्कशीट है सो यू नीड टू जस्ट राइट द क्वेश्चन आंसर एट लीस्ट यू हैव टू जस्ट राइट द फिल इन द ब्लैंक्स एंड लाइक वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दीज आर रिटेन इन टू योर होमवर्क कॉपी ये जो सारे क्वेश्चंस आंसर है जो खासकर लॉन्ग जो क्वेश्चन है शॉर्ट हैं ये जो आपके असेसमेंट जोन में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं लॉन्ग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट सो ये सारे आपके होमवर्क कॉपी में मैंसन होने चाहिए सो थैंक यू फॉर टुडे आई होप सबको समझ में आ गया होगा फिर से वही चीज़ें अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सबको समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है तो आई होप कि किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा बट अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं सो हैव अ गुड डे थैंक यू स्टे होम एंड स्टे सेफ